भाई तो आप सभी छात्रों का कॉलेज में स्वागत है। आज ये प्रियर फर्स्ट ईयर में शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्र के लीडर से कोड 102 में जय कृष्ण मूर्ति का शैक्षिक चिंतन पढ़ेंगे और उन्होंने जो शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं, शिक्षा की पाठ्यचर्या बताई है, उस पर चर्चा करेंगे। शिक्षा की पाठ्यचर्या
प्रेम के विश्वास को भर सके और उनका विश्वास प्रेम से जीत सके। शिक्षार्थी शिक्षार्थी जय कृष्ण मूर्ति बालक के व्यक्तित्व का आदर करते थे। ये उसके ऊपर से बाहर का कोई नियम सिद्धांत अथवा मूल्य थोपने के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, उसी के ऊपर किसी भी प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक एवं धार्मिक पूर्वाग्रहों को थोपने का भी ये सब विरोध करते थे। और ये शिक्षार्थियों में एक ऐसी चेतना का विकास करना चाहते थे जो उन्हें स्वयं नियम सिद्धांत एवं मूल्यों का चयन करने में सहायक हो और इनका सच्चा विकास कर सके और उन्हें हिंसा के पथ पर ना बढ़ने दे और अहिंसा के मार्ग में उनका मार्गदर्शन करे। विद्यालय जय कृष्ण मूर्ति विद्यालयों की आवश्यकता को स्वीकार करते थे। इनकी दृष्टि से विद्यालय में शांत वातावरण और ऐसे माहौल में यह स्थापित हो कि वहाँ का माहौल शांत हो, प्रकृति हो, उसके प्रकृति का जो स्वच्छ वातावरण होता है ऐसा माहौल हो विद्यालय का और उनमें छात्र छात्राओं की संख्या सीमित होनी चाहिए। इनका प्रशासन में शिक्षक एवं शिक्षार्थियों की जो भागीदारी है वह भी होनी चाहिए और विद्यालय में जो शिक्षक परिषद है उसका निर्माण होना चाहिए और परिषद विद्यालय में जो बच्चे हैं उनकी जो समस्याएं हैं उन पर विचार करने वाली होनी चाहिए। साथ ही छात्र का भी परिषद निर्माण में सहयोग हो, शिक्षकों का प्रतिनिधित्व भी हो और छात्र परिषद पर विद्यालय की सफाई, विद्यालय अनुशासन, भोजन आदि का कार्यभार सौंपा जाए। प्रकृतियों को पहचानने विद्यालय में ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें बच्चे स्वयं को पहचान सके, अपनी शक्तियों को पहचान सके और अपनी समस्याओं का हल स्वयं ढूंढ सके। और जय कृष्ण मूर्ति फाउंडेशन द्वारा स्थापित द भागीरथी वैली स्कूल रानारी उत्तरकाशी उत्तरांचल, ऋषि वैली स्कूल, अन्य बहुत सारे स्कूल हैं जिनका उन्होंने जिनकी उन्होंने वो की है स्थापना। इसी शिक्षा के अन्य पक्ष जन शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति ने शिक्षा के अन्य पक्ष भी बताए हैं जैसे उसने बताया है नंबर एक जन शिक्षा जी जी शिक्षा
यह एक अधूरी शिक्षा है। पूर्ण शिक्षा तो इनकी दृष्टि से वह शिक्षा है जो संपूर्ण मानव का विकास करे, उसके बाह्य स्वरूप एवं अंतःकरण दोनों का विकास कर सके। वही धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा बताई है उन्होंने।